एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बस हो चुकी है रात, मैं आ चुकी हूँ किचन में रात के खाने में कुछ बनाने के लिए। तो आज रात के खाने में कुछ अलग से मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और काफ़ी हेल्दी है। तो मैं चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कुछ अलग से रेसिपी, और झटपट बनने वाली है। कोई इसके लिए हमें पहले से कुछ भी तामझाम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फटाफट बनेगी। और साथ ही हमारे मतलब बहुत ही हेल्दी, इसमें जो ढेर सारे इसमें वेजिटेबल पड़ते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल हैं, और फटाफट बनेगी। बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं कि पहले समय उसके लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, चाहे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही जल्दी बनेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक कप चावल को मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिंगा के रख दिया था। हमें इसको दो चार घंटे पहले नहीं भिंगाना, सिर्फ आधा घंटा इसके लिए बहुत है। सिर्फ आधे घंटे के लिए मैंने एक कटोरी मैंने चावल लिया है, एक कप नहीं, एक कटोरी चावल है, उसको मैंने भिंगा लिया है। और अब हमें इसे अच्छे से इसमें ग्राइंड कर लेना है। चलिए पहले ग्राइंड कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, ये कुछ इस तरीके से। अब इसमें हमें जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था, उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी यहाँ पर मैंने सूजी ली है, तो उसे हमें इसमें डाल देना है, उसे अच्छे से मिला लेना है। इसको मिलाने के बाद हमें इसे हमें ढक कर 10 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तब तक हम यहाँ मैंने ये 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इसको हमें अच्छे से ग्राइंड नहीं करना, अच्छे से इसे मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसे जो मिक्सी जार होता है उसमें भी आप कर सकते हैं, पर उसमें क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है करने में, इसलिए मैं इसे इसकी सहायता से ही इसे अच्छे से मैश कर लूँगी मैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे आलू को भी अच्छे से मैश कर लिया है, और आलू को मैं बिल्कुल बहुत ही मतलब बारीक बिल्कुल मैश करना है। इसमें ऐसा नहीं कि जो आलू के मतलब पीस हों, बिल्कुल मतलब बारीक बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये बारीक हमें करना है। चलिए ये हो गया है, इसके बाद हम सब्जियों का करते हैं। सब्जियां आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, पर मैंने जो यहाँ पे वेजिटेबल लिए हैं वो हैं, ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 टमाटर है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और उसके बाद ये है गाजर, 1 गाजर ये भी है, इसको भी मैंने अच्छे से बिल्कुल बारीक कट किया है। और उसके बाद यहाँ मैंने ये 1 शिमला मिर्च ली है, ये बड़ी साइज की शिमला मिर्च थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से कर लिया है। और यहाँ पर ये है धनिया, हरी धनिया, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये है 2 हरी मिर्च है, जिसको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो ये सारी सब्जियां मैं उसमें डालूंगी, और आप अपने स्वाद अकॉर्डिंग आपको जो भी सब्जियां पसंद हो, और इस समय तो ठंड का सीजन है, काफ़ी सब्जियां आती हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए पहले मैं उसमें मिला लूँ फिर। तो ये देखिए इसे रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुका है, और अब हमें इसमें ये जो उबले हुए आलू थे इन्हें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से बिल्कुल हमें इसमें मिला लेना है इसे। तो मैंने इसमें आलू को मिला लिया, और देखिए इतना ये गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें मुझे अब ये 1 चम्मच मैं यहाँ दही ऐड करूँगी, क्योंकि मेरी दही मतलब दही ये थोड़ी खट्टी हो चुकी है, तो इसमें मैं दही ज़्यादा नहीं डालूँगी। पर अगर आपके पास फ्रेश दही हो तो आप आधा कटोरी इसमें दही डालिए, जितना इसमें मैंने सूजी ऐड किया था उतना ही इसमें आप दही भी ऐड करिएगा। पर ये दही थोड़ी खट्टी हो चुकी है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो उसे मिलाने के बाद ये सारी सब्जियाँ जो हमने कट करके रखी है, तो थोड़ी थोड़ी इसमें ये और सारी सब्जियों को उसमें डालने के बाद मैंने उसमें 1 इंच मैंने इसमें अदरक का टुकड़ा, ये मैंने कद्दूकस करके मैं ये डाल रही हूँ। और इन सभी चीज़ों के बाद जो इसमें सामान मतलब जो और चीज़ें जाएंगी वो है, ये 1 चम्मच यहाँ पर मैंने ये राई लिया है, और 1 चम्मच यहाँ पर जीरा, तो इसको ही मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे नमक, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से इसमें मिला लेना है।
देखिए यहाँ पे बैटर हमारा पूरी तरह से रेडी है। अब इसमें हमें सिर्फ एक चीज मिलाना है, वो है इनो। और आप इसमें फ्रेश करी पत्ता भी छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी इस वक्त नहीं था तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। तो सारी चीज़ों को मैंने इसमें अच्छे से मिला लिया है, और इसमें आप अपने हिसाब से कोई वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, क्योंकि इस रेसिपी में जितना आप इसमें वेजिटेबल डालेंगे उतना ही ये मतलब खाने में स्वाद भरा, टेस्टी और हेल्दी भी होगा। तो फिर आपको मतलब जो भी इसमें वेजिटेबल डालना हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना फिर। और हाँ, मैं यहाँ पर इसे अप्पे की सांचे में बना रही हूँ। आप इसे चाहें तो जो पैन आता है पैन में बना सकते हैं या तवे में बना सकते हैं, दोनों तरीके से ये बन जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है। किसी भी तरह से आप चाहे अप्पे में बना अप्पे की सांचे बनाकर खाइए, चाहे आप चीला की तरह बनाकर खाइए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, चाहे आप अगर आपके पास अप्पे का सांचा है या फिर नहीं है तो आप तवे पर ही बना लीजिए, ये बिल्कुल किसी तरीके से बन जाएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने इसे दो जगह कर लिया है क्योंकि अब इसमें हमें लास्ट चीज़ ऐड करनी है, वो है इनो। तो इनो ऐड करने के बाद हमें तुरंत इसे बनाना रहता है, इसलिए मैंने दो जगह कर लिया है क्योंकि दो बार में तो ये बनेगा। तो अगर मैं एक साथ ही सारा इनो एक बार में इसमें मैं डाल देती तो फिर क्या होता, एक बार वो बनता तो फिर ये थोड़ी देर रुक जाता, तो इसलिए मैंने इसे फिर थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कर लिया है और इसमें मैं आधा पैकेट इनो डाल दूँगी। इसके बाद में थोड़ा सा इस पर पानी ऐड करना है। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने अप्पे के सांचे को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है और अब उसमें हम मुझे थोड़ा सा मतलब तेल लगाते हुए उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। और सांचे को अच्छे से ग्रीस करने के बाद उसमें हमने जो ये बैटर तैयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा करते हुए उसमें अच्छे से डाल देंगे और उसके बाद उसे हमें थोड़ी देर ढक के अच्छे से पका लेना है। जब ऊपर से हल्का सा दिखने लगे, थोड़ा कलर उसका ऊपर से चेंज हो जाए, तो उसके बाद फिर हम उसे पलट के दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से सिक चुके हैं एक तरफ से, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये फुल भी गए थे। तो अब हमें इसे ये मतलब मैं यहाँ पे नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ, उसकी सहायता से मैं इसे एक एक करते हुए अच्छे से पलट लूँगी ताकि दूसरी तरफ भी वो अच्छे से सिक जाए। तो बस 2-3 मिनट के लिए हमें इसे ढक के और पका लेना है, उसके बाद ये हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से दोनों तरफ से बिल्कुल पक चुकी है, तो चलिए निकाल लेती हूँ मैं इसे प्लेट में और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं ये और बिल्कुल ये एकदम सॉफ्ट बने हैं, एकदम अच्छा बने, एकदम सॉफ्ट बने हैं। अब यहाँ पे बन चुके हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और इस मतलब खाने में भी बहुत अच्छे लगता है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और बनाना ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसा नहीं कि पहले से कोई भी तामझाम करना है, आप तुरंत जब भी मन करे आपका खाने वक्त तुरंत फटाफट बनने वाली रेसिपी है। और जब ये मतलब जब ये बन गई थी ना, जिसमें जो अदरक मैंने डाला था उससे खुशबू इतनी अच्छी मतलब इतना अच्छा ही महक रहा था ना कि सिर्फ बनने के बाद नहीं सिर्फ खुशबू से ही आपको खाने का मन कर देगा। तो चलिए बस मुझे आपके साथ ये रेसिपी आज शेयर करनी थी। तो बस ये ब्लॉग आज का इतना ही है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे मन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सो ड्रीम। और आप एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगा। चलिए अगर पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज मतलब जरूर प्रेस करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और पे कर दीजिएगा, जिससे मेरी मम्मी का यूट्यूब का जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कैसा लग रहा था खाने में? अभी टेस्ट भी कर चुका है, अच्छा लग रहा है, देखिए खा भी लिया। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। बाय बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट। गुड डे। सुड्रीम। वो टेस्टी बना था। टेस्टी बना था।